पता है कि एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को करने से भी मुश्किल क्या होता है? फ्रीलांसिंग वर्क करने से भी मुश्किल होता है फ्रीलांसिंग वर्क को ढूंढना, यानी फ्रीलांसिंग वर्क कहाँ से लें, कौन से प्लेटफॉर्म से लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, खुद को एक तरह से लिस्ट कर सकते हैं और वहां से आपको मिल सकते हैं ढेरों फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। तो वैसे तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत, वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech चैनल। तो आज इस वीडियो में जैसा मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा कंप्लीट फ्रीलांसिंग का कोर्स चल रहा है, तो इस पूरे कोर्स में हम सीखेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कैसे उन पर प्रोफाइल बनाएं, कैसे वहां से हम क्लाइंट्स को हैंडल करें, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स को सेल आउट करें, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री ये कोर्स है, तो मेक श्योर करना एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है, और आई थिंक ये फ्रीलांसिंग को इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर करने वाला आई थिंक पहला प्लेटफॉर्म है, और माय पर्सनल फेवरेट दैट इज फाइवर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, प्लस ट्रैफिक जो है फाइवर पर बहुत ज्यादा है। मतलब आज भी अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए किसी भी तरह की, चाहे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैं फाइवर वुड बी माय फर्स्ट चॉइस। मतलब मैं सबसे पहले जाके फाइवर पर मैसेज करती हूँ या फिर फाइवर पर जो है लोगों को देखती हूँ कि कौन ये पर्टिकुलर सर्विसेज जो है हमें दे सकता है। और फाइवर मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अमंग इंडिया, पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर फाइवर। तो फाइवर पर आप अपना अकाउंट बनाकर और वहां पर अपनी जो सर्विसेज है उनको आप लिस्ट कर सकते हो, जिसे हम गिग्स बोलते हैं, और बहुत ही इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है इस फाइवर। ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी भी बात हम इस कंप्लीट फ्रीलांसिंग कोर्स में करेंगे कि कैसे हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फाइवर की सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स अगर आपको ढूंढने हैं तो फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। फाइवर के अलावा एक और प्लेटफॉर्म जिस पर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपका अकाउंट जरूर होना चाहिए, दैट इज अपवर्क। अब अपवर्क भी एक फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराने की एक साइट है जहां पर एक पर्सन जाकर जो भी उसे सर्विसेज चाहिए उसे ढूंढ सकता है, एज वेल एज ऐसा कोई पर्सन जो कि वो पर्टिकुलर सर्विस देना चाहता है खुद को लिस्ट कर सकता है। लेकिन अपवर्क पर एक छोटी सी दिक्कत होती है कि यहाँ पर बिडिंग का सिस्टम होता है, यानी किसी पर्सन ने जो उसको सर्विस चाहिए वो उसने ऐड करी है, तो आप उसको बिड करते हो, एक तरह से आप बोली लगाते हो, कोटेशन आप देते हो। तो क्लाइंट के ऊपर है कि अगर मान लीजिए उसके पास 10 बिडिंग आई है, 10 लोगों ने बिड किया है उस सर्विस के लिए, तो उसमें से वो एक को चूज कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली बात है मोस्टली क्लाइंट्स यही प्रेफर करते हैं कि कम से कम जो उनको प्राइस में दे रहा है उसी से ही वो पर्टिकुलर सर्विस लें। तो ऐसे में थोड़ा सा हमारे लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट अपवर्क को भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग है, तो अपवर्क पर भी आप काफी अच्छा पैसा जो है अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अपवर्क के साथ में एक और पॉपुलर साइट है, दैट इज freelancer.com। freelancer.com एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साइट है, और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये पूरी की पूरी साइट डेडिकेटेड ही है फ्रीलांसर्स के लिए। और अगर मैं बात करूं फाइवर या अपवर्क के कंपैरिजन में, तो फ्रीलांसर इनमें से सबसे ज्यादा डेटाबेस उसके पास है, यानी यूजर्स उसके पास सबसे ज्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी थोड़ा ज्यादा है। करीब 50 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पर यूजर्स हैं जो की सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे हैं। तो freelancer.com पर आपका अकाउंट तो जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उसी के साथ ही एक बहुत ही अंडररेटेड साइट है, दैट इज गुरु। गुरु अगर मैं बात करूं इंडिया के केस में तो इट इज वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, और इस पर भी जो ट्रैफिक है वो काफी अच्छा है, और काफी इमर्जिंग ये एक फ्रीलांसिंग साइट है। तो गुरु पर भी आपको जो है काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है। लेकिन गुरु के बारे में एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आप जो फ्री प्लान है गुरु का, उससे सिर्फ एक टाइम में 10 जॉब्स ही जो हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन आप अगर पेड प्लान लेते हो तो वहां पर आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। वैसे फाइवर पर भी काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं जिसके हम आगे बात करेंगे एक एक पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन गुरु अच्छा ऑप्शन है फॉर द बिगिनर्स। उसी के साथ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आई थिंक बहुत सारे लोग बात नहीं करते बट उनको करनी चाहिए बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये है लिंक्डइन प्रोफाइंडर। देखिए लिंक्डइन ऑलरेडी मार्केट में अपना नाम बना चुका है, लिंक्डइन पर ऑलरेडी लोग ट्रस्ट करने लगे हैं, तो लिंक्डइन का ही आप समझ लीजिए ये एक फीचर है जो कि फ्रीलांसर्स को कनेक्ट करता है उन लोगों तक जो कि जिनको वो सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आप जो है अपना अकाउंट बनाकर
जो है खुद को लिस्ट कर सकते हैं जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक से ज्यादा सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो और पर्सन आपको कीवर्ड के बेसिस पर वहां पर सर्च कर सकता है और वहां पर फिर आप उनको कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आप अपने नंबर भी शेयर कर सकते हो और सबसे बड़ी चीज कि लिंक्डइन यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं रखता है, ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है। डायरेक्टली आप फ्रीलांसर से कनेक्ट होते हो या फिर फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर लिंक्डइन का कोई भी मनी वाला रोल नहीं होता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में कुछ ना कुछ कमीशन जो है वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपसे कट कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए अगर $50 के आपके पास कमाई हुई तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रख लेता है। लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइंडर, पहली चीज ट्रैफिक बहुत ज्यादा क्योंकि लिंक्डइन पर इतने सारे यूजर्स हैं, बट ये थोड़ा सा पॉपुलर कम है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन इस कोर्स में हम उसकी भी थोड़ी बात करने वाले हैं जिससे आपसे कोई भी प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने में रह ना जाए। उसी के साथ ही एक और प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, दैट इज टॉप टेल। ये भी एक अच्छी साइट है लेकिन मैं इंडिया में इसको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में भी फंक्शन करती है, काफी ज्यादा पॉपुलर है फॉरेन कंट्रीज में, तो आप इस पर भी अपना अकाउंट बनाकर इंटरनेशनल एज वेल नेशनल क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। इसी के अलावा और भी बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, लाइक ये सारी साइट्स हैं, आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन पर जाकर अभी के अभी अकाउंट बना सकते हो। देखिए वैसे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो दो या तीन प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा, लेकिन अकाउंट आप सब पर बनाइए, यू नेवर नो आपको कौन सी साइट के लिए प्रोजेक्ट आ जाए। तो 10 साइट पर तो अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल आप बना कर रखिए एंड यू नेवर नो कहाँ से आपको कोई प्रोजेक्ट आ जाए। लेकिन जो दो तीन आपके जो प्रोफाइल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वहां पर आपके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए एंड मेनी मोर थिंग्स, जो कि हम इस पर्टिकुलर कोर्स में बात करेंगे जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर करना एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।